أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students this is my essay lecture exercise B करते हैं complete the statement first है dash is a factor of every even number बेटे even number कौन से होते हैं even number वो होते हैं जो two पर completely divide हो जाएं उसको हम even number कहते हैं like two four six एट ठीक है इस तरह के जो नंबर है जो टू पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर बोलते हैं ठीक है यहाँ पर बताया है टू इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर यानी कि टू किसका फैक्टर है हर उस इवन नंबर का जो टू पर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं लाइक इवन नंबर है ये टू टू का फोर का सिक्स का एट टेन ट्वेल्व ठीक है फोर्टीन ये ऐसे नंबर हैं जो कि इवन नंबर कहलाते हैं और इन सब नंबर्स का फैक्टर क्या है टू ये कंपलसरी आएगा ठीक है ना टू इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ डैश नंबर हैज ओनली टू फैक्टर उसने कहा है अ डैश नंबर ऐसा नंबर जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स हों वो कौन सा है अंडरस्टूड है बेटे प्राइम नंबर वो फैक्टर्स हैं जो जस्ट अपने टेबल पे जाएं और किसी और टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड ना हो उनको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स ठीक है या प्राइम नंबर्स उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन ठीक है बेटे ये ऐसे नंबर हैं जो जस्ट अपने टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते उनका कहीं ना कहीं रिमाइंडर रह जाता है ठीक है बेटे यहाँ पर जो नाइन है वो प्राइम नंबर नहीं है मोस्टली स्टूडेंट्स ने नाइन को काउंट किया होता है नाइन इज नॉट अ प्राइम नंबर ठीक है नाइन अपने टेबल पर भी जाता है और नाइन थ्री के टेबल पर भी जाता है थ्री थ्री सा नाइन वन नाइन सा नाइन थ्री थ्री सा नाइन ठीक है इसलिए यहाँ पर हम नाइन को प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं वन टू थ्री फाइव सेवन इलेवन ठीक है ऐसे नंबर जो जस्ट अपने टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हों प्राइम नंबर्स कहलाते हैं नेक्स्ट बेटे एक और चीज थी यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स की बात करते हुए वन को भी कहा था वन इज अ यूनिक नंबर प्राइम नंबर नहीं उसको हम यूनिक नंबर बोलेंगे वन ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर वो खुद ही है मीन्स वन ही है इसके अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है इसलिए इसको हम कहेंगे वन इज अ यूनिक नंबर ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ इसने यहाँ पे बताया है कि हर नंबर का फैक्टर वो खुद भी नंबर है ठीक है लाइक अगर हम थ्री की बात करते हैं या टू की करते हैं फाइव सेवन इलेवन एनी नंबर वो अपना भी एक फैक्टर है ठीक है जैसे हम कहते हैं कि सिक्स के फैक्टर्स निकाल फाइंड आउट करते हैं सिक्स वन जा सिक्स टू थ्री जा सिक्स ठीक है अब देखें बेटे इसमें वन भी इसका फैक्टर है और सिक्स भी इसका फैक्टर है वन सिक्स या सिक्स या सिक्स वन या सिक्स सेम थिंग है ठीक है बात एक ही है जस्ट उसके ऑर्डर चेंज है वो वन के टेबल पे जाएगा वन सिक्स या सिक्स और अगेन हमने जब किया तो किया हमने सिक्स के टेबल से सिक्स वन या सिक्स लेकिन अब आप देखें यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन या वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स का आ रहा है ठीक है नंबर्स दोनों के सेम है जस्ट उसके ऑर्डर चेंज है फर्स्ट में हमने क्या किया वन को पहले लिखा और सिक्स को बाद में नेक्स्ट ऑर्डर में सिक्स हमारे पास पहले आ गया वन बाद में ठीक है लेकिन उनका आंसर सिक्स ही आ रहा है दोनों तरह से ठीक है तो जो सिक्स है वो भी इसका फैक्टर है इसलिए उन्होंने बताया कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ वो अपना ही फैक्टर भी है ठीक है अ फैक्टर डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली फैक्टर्स किसे बोलते हैं ऐसे नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए जिनका कोई रिमाइंडर ना रहे उनको हम क्या बोलते हैं फैक्टर्स लाइक सिक्स पे अगर आप देखें तो फोर टेबल में सिक्स नहीं आता अगर आप फोर से डिवाइड करते हो बेटे तो क्या करोगे फोर वन सा फोर सिक्स माइनस फोर टू ठीक है उसमें आपके पास रिमाइंडर बाकी रह जाएगा ठीक है वो होगा टू का ठीक है तो इसलिए सिक्स जो है वो फोर का फैक्टर या फोर सिक्स का फैक्टर नहीं है और इसलिए सिक्स के फैक्टर कौन कौन से बने वो नंबर जो इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो गए लाइक वन टू थ्री एंड सिक्स ठीक है ये जो हैं ऐसे नंबर कहलाएंगे जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ठीक है अ फैक्टर ऑफ थर्टीन आर लाइक यहाँ पर आपके पास एक नंबर उसने बताया है जो कि थर्टीन का है और उसने उसने पूछा है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं और आपने उसने आपको दो ब्लैंक्स दे दिए ठीक है 13 बेटे अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है ठीक है इसको हम प्राइम नंबर में काउंट करते हैं और ये 113 सा 13 या 13 1 सा 13
ऑर्डर चेंज होगा, नंबर्स वही है, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा इसमें ब्लैंक्स में, एक आएगा वन, ठीक है, इसका फैक्टर, दूसरा आएगा 13। अब आप बेटे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका खुद ही फैक्टर है, 13 का फैक्टर 13 ही है, ठीक है, वन तो है ही है, उसके साथ 13 खुद ही इसका एक फैक्टर बन गया, ठीक है। जब इनका आपने प्रोडक्ट लिया 13 वन 13, तो आपके पास यही आ गया 13, इसलिए हम क्या कहेंगे कि द फैक्टर ऑफ 13 आर 1 एंड 13। नेक्स्ट में बेटे हमारे पास है, अ नंबर कैन हैव मेनी फैक्टर्स, एक नंबर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि वो 1 2 3 4 फैक्टर हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जितनी आपके पास वैल्यू होगी बड़ी उतने ही आपके ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे। लाइक 36 का अगर आप देखें तो काफी ज्यादा इसके फैक्टर्स बनते हैं, 12 के देखें 12 के फैक्टर्स भी काफी बन जाते हैं, 1 12 12, 2 6 12, ठीक है, 3 4 12, और अगर आप इसके रिपीटेड फॉर्म में आते हैं तो 4 3 12, ठीक है। तो आपने इस तरह इसके कई फैक्टर्स निकाल लेने हैं, अब क्या कम्प्लीटली निकालने हैं, जहां पे आपको कहा गया होगा कि ऑल फैक्टर्स की बात होगी वहां पे आपने कम्प्लीटली फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट बताई है, नंबर कैन हैव मैनी फैक्टर्स, एक नंबर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये वही बात बेटे रिपीट होगी, इसके साथ यहाँ पर आपको करेक्ट करवा दिया गया है, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हर नंबर का फैक्टर है, तो बेटे वो है वन, वन ऐसा नंबर है जो आपके फैक्टर्स से मल्टीप्लाई होकर आपके नंबर से मल्टीप्लाई होकर आपका फैक्टर फाइंड आउट करवाएगा, ठीक है, जो कि उसका खुद भी फैक्टर आ जाएगा और वन भी उसका फैक्टर रहेगा, इसलिए उसने बताया वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, वन हैज ओनली वन फैक्टर इज वन, व्हेन वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है वो क्या है, वन, वन का कोई फैक्टर नहीं अदर, ठीक है, इसलिए इसको यूनिक नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिक नंबर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है और वो क्या है, वन, वन वन सा वन, ठीक है, और किसी टेबल पर वन कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, वन के टेबल पर चला जाता है, वन वन सा वन, इसलिए वन इसका अपना ही फैक्टर है और एक ही फैक्टर है, और इसको हम यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5 इज 15, प्रोडक्ट मीन होता है बेटा मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इट मीन वो हमने मल्टीप्लाई करना है, कोई भी वैल्यू जाए, यहाँ पर जैसे आपके पास 3 और 5 है, और हमारे पास जो आ रहा है, अगर यहाँ पे आता सम तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्लस करते, एड आता, सम आता, ठीक है, लेकिन डिफरेंस आता है तो माइनस करते, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जब प्रोडक्ट की बात हुई है तो प्रोडक्ट में आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि प्रोडक्ट मीन होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ तो मल्टीप्लाई आता है, लेकिन जब आपके पास, अब आपका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, ठीक है, 4 का लेवल है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कहते हैं हम मल्टीप्लाई को, जहाँ पे 2 नंबर आपको गिवन हो और 7 प्रोडक्ट का नेम आ जाए तो इट्स मीन वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर आपके पास जो नंबर गिवन है वो है 3 एंड 5, बेटे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 5 15, आपके यहाँ पे नंबर चेंज भी हो सकते हैं, लास्ट में नहीं वो यही रहे, अगर यहाँ पे आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 4 एंड 6 आ जाता है और साथ प्रोडक्ट का नेम आ जाता है, इट्स मीन आपने 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, किससे, यहाँ पर वैल्यूज चेंज होने से, ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यूज होंगी आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो आपके ब्लैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था एक्सरसाइज नंबर सी, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ दीस नंबर, बेटे यहाँ पे फैक्टर्स आपको गिवन है, सॉरी नंबर्स गिवन है, इसके फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, लाइक 4 है बेटे, देखें 4, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि 1 का टेबल कंपलसरी है, 1 पर ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है और यहाँ पर ये आपका आना ही है, ठीक है, 1 4 4, उसके बाद 2 2 4, उसके अलावा 4 अपने ही टेबल पे जाता है, मींस यहाँ पर आ जाएगा 4 1 4, लेकिन बेटे जब हम 4 1 4 करते हैं तो वैल्यूज हमारी जो फर्स्ट में थी वही आ जाती हैं, जस्ट ऑर्डर चेंज होता है, इससे हम उसको नहीं लिखते, क्योंकि वैल्यूज हमारी वो सेम है, ठीक है, 1 और 4 ही है उसका प्रोडक्ट भी, और इसका क्या आएगा 4 और 1, ठीक है, तो इसलिए आपने इसको
यहाँ तक ही सॉल्व करना है जहां तक आपको डिफरेंट वैल्यूज में नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने वन के टेबल से किया, वन फोर जा फोर, उसके बाद टू के टेबल पे देखा, टू टू जा फोर, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आता है, फोर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं बेटे, जब आपने प्रोडक्ट निकाला, मल्टीप्लाई का सीन हुआ, वहां पर आपने देखा कि यहाँ पे टू टू टाइम्स है, बट आपने जब फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो जस्ट उसको आपने वन टाइम लिखना है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, वन टू एंड फोर। यहाँ पर वन टू टू एंड फोर नहीं लिखना, जस्ट आपका टू वन टाइम आ जाएगा, इट्स मीन ये आपका फैक्टर है, ठीक है। और वो अंडरस्टूड है कि टू अगर किसी पर नहीं जा रहा तो टू अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई होकर फोर बना रहा है, और आपने उसको जस्ट वन टाइम बता देना है, वन टू एंड फोर इज द फैक्टर ऑफ फोर। क्वेश्चन नंबर टू में है सिक्स, इसके फैक्टराइजेशन की, तो आपके पास आया वन सिक्स जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेटे थ्री के टेबल पे भी जाता है, थ्री टू जा सिक्स। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं, ऑर्डर चेंज आता है, जस्ट थ्री टू जा या टू थ्री जा, बात यही सेम ही है, ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर सिक्स ही आ रहा है, और यहाँ पे आपके फैक्टर्स फाइंड आउट हो रहे हैं, वन टू थ्री एंड सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने किस तरह किया, पहले वन और टू को लिखा, फिर आपने यहाँ से देखा थ्री और सिक्स। बेटे एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे जब आपने फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है तो आपने उसको ऑर्डर वाइज लिखना है, ठीक है। कोई बच्चा ये ना लिखे वन सिक्स टू थ्री, वो बहुत मैसी सा लगता है, ठीक है। आपने इनको ऑर्डर वाइज लिखना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले, उसके बाद उससे ग्रेटर, फिर उससे, और उसके बाद लास्ट में ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आप वन सिक्स टू थ्री भी लिखते हो आंसर, ठीक है, लेकिन बेटे वो आपका ना इम्प्रेशन अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। आपने कोशिश करनी है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और नीट होनी चाहिए, आज जब आप इसको सीक्वेंस वाइज लिखोगे तो वो एक अच्छा आपका इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। देखिए बेटे यहाँ पे क्वेश्चन है थ्री एट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, उसमें आपके पास नंबर गिवन है एट, वन एट सा एट, टू फोर सा एट, यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या बने हैं, वन टू फोर एंड एट। नेक्स्ट है नाइन, वन नाइन जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, यहाँ पे भी थ्री वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, थ्री की वैल्यू, तो आपने यहाँ पे क्या किया, वन टाइम लिख लिया, वन थ्री एंड नाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बेटे ट्वेल्व के फैक्टर्स, वन ट्वेल्व जा ट्वेल्व, टू सिक्स जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, यहाँ पर आपके पास फोर फैक्टर्स आते थे आंसर में, यहाँ पे आपके पास आंसर में फैक्टर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। वन ट्वेल्व जा ट्वेल्व, टू सिक्स जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, यहाँ पे बेटे देखें सिक्स फैक्टर्स हुए हैं, आपने इनको अरेंज करना है, पहले लिखना है वन टू थ्री, और उसके बाद यहाँ से फोर सिक्स एंड ट्वेल्व, ठीक है। एटीन का वन एटीन से एटीन, टू नाइन से एटीन, थ्री सिक्स से एटीन, ठीक है। उसके बाद फोर के डबल में एटीन नहीं आता, फाइव पर नहीं आता, और सिक्स पे वैल्यू आपकी रिपीट ही हो रही है, थ्री सिक्स एटीन या सिक्स थ्री जा एटीन, एक ही बात है, ठीक है। आपने वहीं पे इसको स्किप कर देना है, और यहाँ पर आपका आंसर आया क्या, फैक्टर्स ऑफ ऑफ एटीन, वन टू थ्री सिक्स नाइन एंड एटीन। सबसे पहले आपने ये साइड लिखनी है वन टू थ्री, और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर तक आना है सिक्स नाइन एंड एटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन में वैल्यू है सिक्सटीन, वन सिक्सटीन जा सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन, ठीक है, फोर फोर जा सिक्सटीन। बेटे यहाँ पे भी आप देख सकते हो वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर को आपने वन टाइम ही लिखना है, उसके बाद अगर आप देखें तो सिक्सटीन आता है एट पर, और टू एट जा सिक्सटीन, एट टू जा सिक्सटीन, सेम वैल्यूज ही आ रही है यहाँ पर भी, तो आपने यहीं पे इसको स्किप करते हुए इसके फैक्टर्स को बताना है कि वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन किसके फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ सिक्सटीन के। ट्वेंटी देखिएगा बेटे, वन ट्वेंटी जा ट्वेंटी, टू टेन जा ट्वेंटी, फोर फाइव जा ट्वेंटी या फाइव फोर जा ट्वेंटी, ठीक है। आपने बेटे जब आपने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो आपने सीक्वेंस वाइज करने हैं, वन का टेबल पढ़ना है, फिर टू का, फिर थ्री का। अब जैसे आपके यहाँ पर नजर आता है कि 20 जो है वो 3 के टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, इट्स मीन ये इसका फैक्टर्स नहीं है, 3 जो है वो 20 का फैक्टर नहीं है, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 3 6 18 आता है और 2 रिमाइंडर आ जाएगा, जो रिमाइंडर वैल्यू है वो आपकी फैक्टर्स में काउंट नहीं होती, ठीक है। तो आपने उस टेबल को स्किप कर कर 4 के टेबल पे आ गए, 4 5 सा 20। अब आप देखें बेटे यहाँ पर वहां आपके पास आ रहा है 1 2 4 फाइव टेन एंड ट्वेंटी, ठीक है। इसको भी आपने देखे इस तरह सीक्वेंस वाइज लिखा है, वन टू फोर फाइव टेन एंड ट्वेंटी। यहाँ पे बेटे देखें आपकी वैल्यूज मजीद बढ़ गई, जैसे जैसे आपके नंबर ज्यादा होते जाएंगे आपकी वैल्यूज भी
ऐड होती जाएंगी, ठीक है ना. 1 24 24, 2 12 24, 3 8 24, 4 6 24, ठीक है. उसके बाद आपका देखिए 1 2 3 4 टेबल तक कम्प्लीटली जा रहा है. उसके बाद ये 6 पर आता है, और 6 पे देखें तो 6 4 या 4 6 वैल्यूज रिपीट हो रही है, इसलिए हमने इसको यहीं से काउंट करना स्टार्ट किया. 1 2 4 3 4 6 8 12 एंड 24. 36 के फैक्टर्स निकाले. 1 36 से 36, 2 18 से 36, 3 12 से 36, 4 9 से 36, 6 6 से 36, ठीक है. 6 की वैल्यू भी यहाँ पर रिपीट हो रही है, आपने यहाँ पर इसको वन टाइम ही लिखना है. 6 के बाद 9 पर आता है 36, ठीक है. 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, ठीक है. यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 9 6. यहाँ पे 6 पहले आना था, 9 बाद में आना है, ठीक है बेटे. यहाँ पे 6 पहले लिख के फिर 9 12 18 एंड 36. अच्छा बेटे, ऐसा है कि ये देखिए, जब आपके पास आपको लगे आपको टेबल नहीं आते, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो. लाइक 12 को टेबल नहीं आता, बट यहाँ पर 3 12 से 36 आ रहा है, 2 18 से 36, 18 का टेबल नहीं आता, बट 2 के टेबल में 18 पर 36 आता है. तो इसका एक और मेथड है. वैसे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल्स याद करने हैं, अगर नहीं तो आपने ये लाजमी करना है कि वर्किंग रफ वर्क करते हुए आप इसको डिवाइड करके देख लें. यहाँ पे आपके पास जो फिगर है वो 36 का है, ठीक है. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो आप देखें कि यहाँ पर डिवीजन हाउस बनाने के साथ साथ आप इसको 2 1 2, ठीक है. 3 में से 2 माइनस के 1 आ गया, 6 जम डाउन हुआ, 16, 2 18 16, ठीक है बेटे. यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 18 16. अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं कॉमन फैक्टर्स की तरफ, ठीक है बेटे. थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, टू फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू नंबर, फर्स्ट वी फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल फैक्टर एंड देन राइट देयर फैक्टर्स विच आर कॉमन टू बोथ, ठीक है. ऐसे फैक्टर्स जब हम इनका फाइंड आउट करते हैं, जैसे अभी आपने इसको किया 12 को 18 को, ठीक है. अब आपने यहाँ पर इस तरह आपने बताना है कि आपके पास कोई नंबर गिवन है, तो आपने जस्ट उसका टेबल बताना है, ठीक है. आपने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको जस्ट जैसे आपने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं ना ये वाले, इस तरह आपने बताना है, ठीक है. आपके पास जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में है 14, फैक्टर ऑफ 14, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 के टेबल में 14 आता है, 2 पे आता है, 7 पे आता है, और 14 अपने ही टेबल पे जाता है. और अगर आप देखें बेटे, इसके प्रोडक्ट भी बनते हैं 1 14 से 14 और 2 7 से 14, ठीक है. ये आप देख रहे हो 2 7 से 14, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है. लेकिन यहाँ पे आपने इसके फैक्टर्स बताए हैं. फैक्टर ऑफ 14 क्या है, 1 2 7 एंड 14. इसी तरह आपने 28 के फैक्टर्स बताने हैं, 1 28 से 28, 2 14 से 28, 4 7 से 28, ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू आपको गिवन है 35, इसके फैक्टर्स बताएं 1 5 7 एंड 35, ठीक है. तो इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, अगर आप देखें बेटे, कॉमन फैक्टर आपके पास 1 का है और उसके बाद 7 आ रहा है, ये देखें ये 7 आ रहा है और ये 7 आ रहा है, ठीक है. ये ऐसे नंबर्स हैं जो इन टेबल्स पर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा 2 देखें, अगर 14 और 28 में है बट 35 में नहीं है, ठीक है. इस तरह आपने इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. इसकी डिटेल बेटे मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी. आज का लेक्चर यहीं तक था आपका.